तो दोस्तों चलिए वीडियो के कुछ नए तरीके से शुरुआत करते हैं। हम लोग जा रहे थे जयपुर से कोटा के लिए। हम लोग ट्रेन पकड़ के सीधा निकल पड़ते हैं कोटा के लिए, और कोटा में जैसे ही पहुंचते हैं वहां पर एक होटल ले लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यह है हमारी होटल। यहां पर हम लोग अभी रुके हुए हैं। अब हमारा प्लान है यहाँ से कहीं घूमने जाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर जो स्टाफ है होटल का, उनसे पूछते हैं कि भाई यहाँ पर घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह कौन सी है। तो वो एक जगह बताते हैं। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, और तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, आपको आगे पता चलेगा कि हम लोग कहां जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, ये जो आप देख रहे हो, ये है पिंक सिटी, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, चंबल ब्रिज है। ये है चंबल ब्रिज। ये जो देख रहे हो आप, ये है चंबल रिवर फ्रंट यहां का, कोटा का। ये देखिए कितना मस्त माहौल देख रहा है, क्या सोनू है। वाह यार क्या नजारा है। ये पूरा मार्वल है सामने, है ना। तो यहाँ पर हम लोग मार्वल से बने हुए हाथी और मार्वल से बने हुए बहुत सारी कलाकृतियाँ देखते हैं, और निकल पड़ते हैं चंबल नदी की ओर। तो ये जो आप देख रहे हो, ये है चंबल नदी, और यहाँ से हम सीधे निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। अभी हम आ चुके हैं माँ त्रिकुटा धाम। जैसे कि आप लोग हमारे पीछे देख सकते हो, सबसे पहले काउंटर है, वहाँ से हम टिकट कटाते हैं। आई थिंक 1 पर्सन की 60 रुपये की टिकट कटती है। तो चलिए यहाँ से हम लोग टिकट्स वगैरह कटाते हैं, सीधा मिलते हैं। सोनू भैया हमारे यहाँ पर ले रहे हैं टिकट। भाई साहब ये डॉग देखिए आप, यहाँ पर भाई एकदम शेर के जैसा है भाई। हाँ, जैसे ही हम अंदर की तरफ इंटर करते हैं तो कुछ इस तरह का सीन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये देख भाई साहब, पूरा स्टोन ही स्टोन है यार, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। तो गाइज, ये जो आप पीछे देख रहे हो, यहाँ से एंट्री है, बट अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। मोबाइल यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर हमको जमा करना पड़ेगा हमारा मोबाइल। वहाँ पर है लॉकर रूम, आई थिंक यहाँ पर रखना पड़ेगा। यहाँ पर हम अपना मोबाइल और पर्स वगैरह सब जमा कर देते हैं। 1 hour later हम लोग अंदर से घूम के आ चुके हैं। इतना ज़बरदस्त सीन है भाई साहब, आप लोगों को ज़रूर एक बार यहाँ पर विजिट करना चाहिए। यदि आप अंदर जाते हो ना, तो माता रानी की मतलब बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमा है, और साथ ही साथ ऊपर वहाँ तक हम लोग होकर के आए हैं भोलेनाथ जी के पास में। तो अंदर का अराउंड 1-1.5 घंटा लग जाता है ना, घूमते 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 घूमते। पूरा गुफा है, गर्भगृह है। माता रानी ने जो है हनुमान जी को जब प्यास लगी थी तो उन्होंने बाण मार के जो पानी निकाला था, तो वो भी आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं यार अंदर। देखिए यहाँ पर माता रानी ने क्या है, वैष्णो माता ने बाण मार करके पानी प्रकट की थी हनुमान जी के लिए। तो वो देखिए वहाँ पर हनुमान जी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अंदर मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है, तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह का सीन है अंदर। अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें थी यार, जैसे आप कबूतरों को दाना खिला सकते हो, खरगोश को चारा खिला सकते हो, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे वहाँ पर जो लगी वो थी वहाँ पर गर्भगृह। गर्भगृह में माना यह जाता है कि यदि आप वहाँ पर एक बार विजिट कर लेते हो अंदर की तरफ जा कर के, और बाहर निकल जाते हो, तो आपके सारे जितने भी पाप हैं सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। हम लोग तो विजिट किए, सोनू भैया और मैं, और हम लोग दोनों बाहर निकल चुके थे, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो थे वो वहाँ पर अंदर जा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो स्पेस होता है अंदर वो बहुत कम होता है यार। एक वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। और जैसे ही हम सबसे ऊपर पर चलते चलते ऊपर महाकाल के पास पहुँच जाते हैं, महादेव जी के पास, हमारे शिव जी के पास में, तो वहाँ पर भी बहुत बड़ी प्रतिमा है यार शिव जी की। हमको तो नीचे से बहुत छोटी दिख रही थी, लेकिन ऊपर जाने के बाद में बहुत ही बड़ी प्रतिमा होती है। और उसके बाद में हम लोग वहाँ से नीचे की तरफ आते हैं, और अपने शूज़ वगैरह जो भी थे वो उठाते हैं, और सीधे निकल पड़ते हैं फिर अपने होटल के लिए। त्रिकुटा से आ चुके हैं अपने होटल पर, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और शेयर करके बताएं कि वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल राजा सनोडी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।